हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। मेरे फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी आई है। मैं इस वीडियो में उसी के बारे में अपडेट देने वाला हूँ जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आप लोग को सैलरी 98,400 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ रोज शेयर भी कर दिया करो यार, तक हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। इसमें फ्रेशर्स एक्सपीरियंस्ड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 28 फरवरी 2023। डिटेल्स पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फर्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जिसमें आप लोग को सैलरी लेवल 10 के हिसाब से यानी कि 56,100 से लेके 177,500 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 98,400 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स तक रहा गया है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें आप लोगों को सैलरी लेवल 6 के हिसाब से यानी कि 35,400 से लेके 112,400 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग का अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 61,818 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स तक रहा गया है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी लेवल 3 के हिसाब से यानी कि 21,700 से लेके 69,100 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 इयर्स तक रहा गया है। तो फर्स्ट बात करते हैं फ्रेशर्स वालों के लिए, जिसमें फर्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन केमिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल, बायोमेडिकल, बायोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीबीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके डिप्लोमा और बीबीटेक में मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप लोग बीबीटेक किए हो तो उस केस में कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है, बट अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और उसके साथ कंप्यूटर, ऑफिस एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल और मेटलर्जिकल वालों के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और सिरामिक इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके डिप्लोमा और बीबीटेक में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप लोग बीबीटेक किए हो तो उस केस में एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है, यानी कि अगर आप लोग फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हो तो आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और उसके साथ कंप्यूटर, ऑफिस एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में से 4 साल का बीबीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर आप लोग बीबीटेक किए हो तो उस केस में कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहीं पर नहीं है, यानी कि फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके डिप्लोमा और बीबीटेक में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए।
नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल और माइनिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTech या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो भी कंडीशंस है वो सेम है। और लास्ट है जूनियर टेक्नीशियन केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स में से बैचलर्स या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग BBTech किए हो तो उस केस में एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है, और अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके बैचलर्स और डिप्लोमा पे मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए, और उसके साथ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTech या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग BBTech किए हो तो उस केस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTech या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग BBTech किए हो तो उस केस में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में मिनिमम 8 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTech या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग BBTech किए हो तो उस केस में मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में मिनिमम 8 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन फी की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है। सिमिलरली SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है। और जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है, और SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग उसको प्रिंट आउट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाक देना है। उसका हार्ड कॉपी आप लोगों को कहीं पे सेंड नहीं करना है। अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। बट अगर आप लोग ग्रुप डिस्कशन, रिटेन टेस्ट या तो स्किल टेस्ट के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। और जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद इनिशियली 1 ईयर के लिए आप लोग को प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, और 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 28 फरवरी 2023। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लेके जाना होगा, जिसमें फर्स्ट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, उसके साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके साथ आपका कोई भी एक गवर्नमेंट ID प्रूफ का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो PSU
या तो किसी भी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो तो उस केस में आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को साथ में लेके इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन, नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आपको आपका नेम फिल करना होगा, उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा, उसके बाद आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आप लोग को यहीं से चूज करना है, और उसके बाद कोई भी एक पासवर्ड चूज करने के बाद कैप्चा वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद कैप्चा वेरीफाई करना है और उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन आईडी आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स, आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।